make a delicious day. So, हमने यहाँ पर कुछ आलू बॉईल कर लिए हैं 10 से 15 मिनट के लिए राइस कुकर में। एंड अब इन्हें छील लेते हैं। एंड अब सारे आलू को अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं, पर ध्यान रहे बिल्कुल परफेक्टली मैश होना चाहिए। एंड अब इसमें चीज क्रश करके ऐड करेंगे। इट्स टाइम फॉर स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे एंड देन आधा चम्मच यानी 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। एंड देन यहाँ पर हमें लेना है हरी मिर्च टेस्ट के अकॉर्डिंग, इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस को हमें आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लेने हैं। इन द लास्ट इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच आमचूर पाउडर, ये भी ऑप्शनल है। एंड फाइनली अब इसे अच्छी तरह से कवर करना है। इसके लिए मैं एक बड़ी प्लास्टिक बैग ले रही हूँ एंड उसमें हमारा बाउल डाल के हमने ऊपर से इसे पैक कर दिया है और अब इसे 30 मिनट के लिए फ्रीज करेंगे। एंड अब बनाते हैं होममेड ब्रेड क्रम्स। उसके लिए मैं ब्रेड की जगह यहाँ बन ले रही हूँ। इसे अच्छी अच्छी तरह से तोड़कर मिक्सर में डालकर ग्राइंड कर लेना है बिल्कुल बारीक सा। एंड सिर्फ 2 मिनट में हमारा होममेड ब्रेड क्रम बनकर रेडी है। मिनट बाद हमारा मिक्सचर बिल्कुल बनकर रेडी है, सेट हो गया है। एंड अब हमें चाहिए कुछ चेडर चीज़। आप चाहें तो यहाँ पर चीज़ को छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा मसाला लेंगे, उसे थोड़ा सा रोल करेंगे एंड देन बीच में हम उसमें चीज़ डालेंगे। एंड देन फिर अच्छी तरह से रोल करके बिल्कुल छोटा सा बॉल बना लेना है हमें, सारी तरफ से पैक हो जाना चाहिए। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें हम 2 चम्मच मैदा डालेंगे और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर। देन थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा बैटर बना लेना है बिल्कुल स्मूथ सा, ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत पतला होना चाहिए। एंड अब हम एक बॉल लेंगे और उसे बैटर में डाल के सारी तरफ से कवर कर लेंगे बॉल को बैटर से एंड देन उस पर हम लगा देंगे क्रम कोट।
देन हमारा पहला चीज़ बॉल बनकर रेडी है। ऐसे हम सारे बना लेंगे। लेट्स क्रम्ब कोर फॉर द सेकेंड टाइम। ये ऑप्शनल है, तो सेम थिंग हम वापस करेंगे, फिर से बॉल लेंगे, बैटर में डालेंगे, फिर दूसरी लेयर क्रम्ब कोट की लगाएंगे। आप चाहें तो सिर्फ एक क्रम्ब कोट की लेयर लगाकर भी फ्राई कर सकते हैं। एंड देन फाइनली अब इसे करते हैं फ्राई। तो एक पॉट में हम पहले तेल डाल देंगे और उसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। देन चीज़ बॉल उसमें डालकर एक चेक करेंगे पहले तेल गर्म हुआ कि नहीं, और उसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। एंड ये बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा पहला चीज़ बॉल। अब ऐसे ही हम सारे फ्राई कर लेंगे। So finally, in just 10 minutes, crispy and cheesy cheese balls are ready to eat.